नमस्कार। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था गोविंदपुर का एक मामला, जहां पे एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसी को लेकर आज वो दोबारा एसपी ऑफिस आई हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला, आज वो दोबारा क्यों एसपी ऑफिस आई हैं। उनसे बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एसपी से मिलकर उनको क्या आश्वासन मिला या क्या कार्रवाई की मांग हुई। जी, सोशल संवाद में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइएगा आज किस लिए आए हैं? जी, आज मैं अपनी केस की बयान के लिए मैं आई थी, अपने काम अपने सूचक से मिलने के लिए। तब तक मैं मुझे उसी दौरान मतलब उस लड़के ने कॉल किया और कॉल के सही थी, मतलब नॉर्मल कॉल भी नहीं, डायरेक्ट वीसी कॉल की। और उसके बाद मैं इतनी डर गई थी, मुझे लगा कि क्यों इसका अचानक से कॉल आया, फिर डायरेक्टली फिर मैंने कॉल उठाया नहीं। लेकिन आज सवेरे भी जब मैं आ रही थी तो कुछ एंटी सोशल लोग वहाँ पे नीचे खड़े थे जो मेरे पे वॉच और निगरानी किए हुए थे। वो कल शाम से ही किए हुए, लेकिन हमको कल शाम से उतना नोटिस की तो मुझे थोड़ा इग्नोर कर दी। फिर आज सुबह जब थी तो आज सवेरे भी वो खड़ी थी, तो मैं समझ गई कि वो। उसके बाद आज सवेरे सवेरे मेरे खिड़की के पे कांच तोड़ा भी गया और मेरे बालकनी के कांच को भी मतलब तोड़ा गया और डराया धमकाया गया और धमकी से मतलब कॉल भी आ रहे हैं पिंकी जी के तरफ से और शशिभूषण जी के तरफ से, उस लड़के के तरफ से भी, कि तुम अपना केस वापस लो, अगर केस वापस नहीं लेगी तो तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली को खतरा करेगा। और जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो महिला परिषद अध्यक्ष है, उनका भी फैमिली को खतरा किया जा रहा है, उनको भी मतलब धमकी दिया जा रहा है कि उनके भी फैमिली को खतरा हो सकता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें अभी तुरंत जेल किया जाए, बस मेरी यही अनुरोध है। एसपी ऑफिस आए हैं तो आप मिले अभी एसपी से? मिले नहीं, अभी तक एसपी ऑफिस आई हूँ लेकिन एसपी सर अभी है नहीं। जब तक एसपी सर नहीं है तो मैं सोची कि मैं आप तक ये बात आप तक पहुँचाऊँ और सबके तक सब पहुँचाऊँ कि मेरे साथ जो भी हो रही है घटना अभी, वो सब मेरे साथ दे और मेरे इस विषय में मेरे अनुरोध करें सबके साथ, सबकी सहमति से मैं, ताकि मेरे साथ जो न्याय हो उसके प्रति सब लोग आवाज़ उठाए, क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ है, कल वो किसी के साथ भी हो सकता है। जब से आपका जो खबर था वो मीडिया में आया, न्यूज़ में आया, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई जी जिला प्रशासन के बाद? जी, उसके बाद कराई हुई मेरी मेडिकल जांच हुई, उसके बाद मेरी मेडिकल जांच के बाद मेरे केस को फिर फाइल किया गया, उसके बाद आगे उसकी कुछ नहीं हुई। उसके बाद आगे आज मैं आई हूँ उसकी और मतलब आगे की तहकीकात इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ताकि मेरी बातों को रखकर। अब आगे जैसे मैं आई तभी इसी दौरान मुझे कॉल पे कॉल आई जा रही थी, धमकी भरी कॉल। और जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? जी नहीं, हाँ, वो अभी भी फरार है और अभी भी उन्हें मतलब मैं चाहती हूँ कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि वो अभी फरार है तो ऐसे तो मैं अनसेफ हूँ और मेरे फैमिली भी, और साथ में मेरे साथ जो सपोर्टेड है मेरे साथ, उन लोग को भी खतरा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वो लोग इन्हें पकड़े और इन्हें गिरफ्तारी करें और इन्हें सर्च वारंट निकाल दें इनके खिलाफ। तो लोकल लोग हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि उस लड़के से पहले से आपकी दोस्ती थी और ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है आपके द्वारा उसके? जी नहीं, मेरी उस लड़के से कोई दोस्ती नहीं थी, वो सिर्फ दो दिन मतलब मेरे सामने आया था ऐसा मुझे मालूमात हुआ, उसी दौरान मैं जानती हूँ, उस लड़के को देखी हूँ, उससे अलावा मेरे से कोई कांटेक्ट, कोई मतलब ताल्लुकात ही नहीं है, ना ही मेरी कोई दोस्ती की है, ना ही कोई मेरा ऐसा फैमिली फ्रेंड रिलेशन है। जो ये पीड़िता है उनकी वकील है, उनसे भी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है और क्या नहीं। मैं पीड़िता की अधिवक्ता हूँ, मेरा सिर्फ एक ही प्रशासन से एक ही बात कहना है कि जब तक अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। क्योंकि अगर लगातार धमकी मिलेगी पीड़िता को या पीड़िता की जो मदद कर रही है संगीता कुमारी उनको, तो फिर इसका जांच कैसे होगा निष्पक्ष रूप से? कोई इस पीड़िता की मदद करने के लिए आगे आएगा नहीं, और यह अकेली लड़की क्या कर लेगी? तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, केस की निष्पक्ष जांच के लिए। आप अपना परिचय दीजिए। मैं संगीता कुमारी हूँ, प्रशासनिक शिकायत एवं जन शिकायत परिषद की हूँ। इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक पहुँचा है या क्या है? मामले को लेकर यही कि पीड़िता के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और इसके साथ मेरे को भी धमकी मिल रहा है कि केस वापिस ले लो, तुम ही इतना सब आगे बढ़ाई हो, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारा परिवार का भी जान का खतरा है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं घर के सामने आके। इसलिए हम चाहते हैं कि मेरे को, मेरी पीड़िता को, दोनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो ये आप देख रहे थे, ये पीड़िता हैं और काफ़ी दिनों से एसपी ऑफिस की चक्कर लगा रही है। हालांकि न्यूज़ दिखाने के बाद इनका FIR रजिस्टर किया गया है, लेकिन जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
तो हम चाहेंगे कि जिला प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे और जो भी फैसला है या जो भी निर्णय है उस पर जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद। सोशल संवाद देखने के लिए मैं अभिषेक।